एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको लग रहा होगा जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों 2025 तक साथ रहेंगे, उसके बीच में ये वादा करना तो आसान है लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक लोगों के बयान और स्थितियाँ दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल से कुछ ही कम वक्त कम है, और ये बातें ज़बरदस्त ढंग से चल रही हैं कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है, किसकी योजना किसके साथ है। इन सब के बीच में जहां एक तरफ पुरानी दोस्ती एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है, आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में एक गठबंधन बना था जिसका नाम महागठबंधन फिर से रखा गया था, और महागठबंधन में पुराने साथी नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद नए नए कई साथी आ गए थे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये सभी मिलकर के महागठबंधन का निर्माण किए थे। और इन सब के बीच में जो चीज़ें और बातें हुई थी उसे आप जानते हैं। 2020 के चुनाव में कुछ कारण थे, उससे पहले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बाद मुकेश सहनी भी महागठबंधन से बाहर हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास 2 साल से भी कम वक्त में हो गया कि उनका फैसला जल्दबाजी में लिया गया था और राजनीतिक रूप से तत्कालीन भले ही असरदार हो लेकिन दूरगामी परिणाम देने वाला नहीं था। अब स्थिति यह है कि सब कुछ हाथ में आने के बाद जहां एक तरफ मुकेश सहनी अपने विधायकों को खो चुके हैं, अपनी सदस्यता खो दिए हैं, वहीं अपना मंत्रालय भी उन्होंने खो दिया है। अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो पाना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी मीटिंग लालू प्रसाद से होती है। दूसरी तरफ आप देखिए, जीतन राम मांझी लगातार लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और उनसे मिलने का भी प्रयास करते हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो उस टीम का हिस्सा रहे हैं वो भी लालू प्रसाद से मिलने जाते हैं, और इस मुलाकात को कहा जाता है कि राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। इन सब के बीच में आप समझिए कि जिस तरह से इस सारी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ये बातें तेजस्वी यादव के द्वारा कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत नेता आज के डेट में माने जाते हैं नित्यानंद राय, वो मुलाकात करने गए थे। उसके बाद से एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो जाती है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी एक बार फिर से डगमगाने लगती है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बातचीत शुरू हो गई है तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे और नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता चली जाएगी। इन सब के बीच में आपको पता है कि जिस तरह से मुकेश सहनी इंतजार कर रहे थे और पूरी मजबूती के साथ ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA में जुटे हुए थे, उसका उन्हें इनाम जो मिला वो सभी जानते हैं, उन्हें अपने सब कुछ से हाथ धोना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी एक छोटी पार्टी है जिन्हें हमेशा डर बना रहता है कि कब उनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में शामिल करा लिया जाए। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आते हैं और जिस तल्खी के साथ जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं उसे देख करके लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी की तरह किसी भी दिन हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के विधायकों को ऑफर दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कुर्सी पर ध्यान लगाए हुए है, और इस ध्यान लगाने का ही अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मौका मिलते नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर सत्ता से बाहर हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। मुकेश सहनी तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, उससे पहले तीनों ने प्लान बना लिया है कैसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखा जाए और इसके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती हो और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा जाए, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और सभी के कॉमन दुश्मन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी हो गए हैं। भले ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी NDA का हिस्सा हों लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अभी भी
उनकी तलखी ज्यों की त्यों देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो परिवर्तन की लहर है, उस लहर में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने का एक बार फिर से जिम्मा उठाया है इन तीनों ने, और इस नए जिम्मेवारी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ तेजस्वी यादव के साथ नया गठजोड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके कई प्रमाण सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह की तलखी दिखाई जा रही है वो साफ इशारा कर रहा है कि बिहार में एक बार फिर से कोई बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।